हेलो गाइस, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अमिता समटाइम। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इस टाइम मैंने एक स्टॉकिंग डाली हुई है, ब्रा पहनी हुई है और ये मेरी पैंटी। ओके, तो ये है पंजाबी कमीज, ठीक है। पंजाब में ये पंजाब की गर्ल ड्रेस है, तो हम इसे पहनेंगे, मैं इसे पहनूंगा अभी, ठीक है। तो पंजाबी गर्ल्स कैसे तैयार होती हैं मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक, दिखाने की कोशिश करूंगी। सॉरी, सबसे पहले हम कमीज को डालेंगे। तो मैंने कमीज को पहन लिया है, तो देखिए आपको दिख रहा होगा सारा, सब लोगों को। और ये है सलवार, ठीक है, इसे भी मैं पहनूंगी अभी, ठीक है, अभी मैं पहन रही हूँ इसे। मैंने सलवार को पहन लिया। ओके, कैसे दिख रही हूँ मैं, अच्छी लग रही हूँ ना? तो इसके साथ दुपट्टा भी चाहिए, ये रहा इसका दुपट्टा। तो आई एम रेडी। ओके, मेरे पास ना काफी सारी ड्रेसेस है, ये देखो हील्स, पर मैं अभी हील्स नहीं पहनूंगी क्योंकि हाँ, हील्स भी अच्छी होती है। पंजाबी जूती, आई विल रेडी। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताना जरूर, ठीक है। तो ऐसी मैं और भी वीडियोस आपके लिए डालती रहूँगी, बस आप सबका प्यार चाहिए, आप सबकी दुआ चाहिए। ओके, एक चीज मैं भूल गई आपको दिखाना, हाँ।
कि कमीज के नीचे एक और चीज़ डालते हैं, ठीक है गर्ल्स डालती हैं, तो मैं अभी आपको डाल कर दिखाती हूँ, ठीक है। जितनी भी गर्ल्स होती हैं सबसे पहले वो ब्रा को डालती हैं, ब्रा डालने के बाद उसके बाद होती है शमीज, ये है वो शमीज जो ब्रा के बाद पहनी जाती है, क्योंकि समटाइम जो कमीज का कपड़ा इतना ज़्यादा पतला होता है कि उसे ताकि बूब्स ना दिख जाए, तो इसलिए शमीज को पहना जाता है। ये मैंने पहन ली शमीज, अब हम हटा देंगे इसके ऊपर जो कमीज होती है वो। नाउ आई एम रेडी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो एक मिनट बाद में। तो थोड़ी गर्ल्स वाले काम की करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं उस कमरे से बाहर नहीं ना जा सकती, इससे तो प्रॉब्लम आ रही है। चलो थोड़े कपड़े प्रेस कर लेते हैं, चलो किचन में चलते हैं, ठीक है। तो किचन में जाके थोड़ा सा काम करते हैं। अच्छी लग रही हो ना मैं?
आज मैं बहुत दिन के बाद अकेली घर में थी, सोचा क्रॉस ड्रेसिंग करती हूँ। आज मैंने बहुत सारी ड्रेसिंग की, बहुत सारे गर्ल्स कपड़े पहने, अपनी मदर के कपड़े पहने, अपनी सिस्टर के कपड़े पहने, और कुछ कपड़े मैंने खुद परचेज भी किए थे, वो भी मैंने ट्राई किए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे सच में यार गर्ल्स के कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कितने ज़्यादा कंफर्टेबल है, कितने ज़्यादा, यानी कि जो क्रॉस ड्रेसिंग कर रही है ना उसे पता होगा कि कितना मज़ा आता है क्रॉस ड्रेसिंग करने में। तो क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो या ऐसा कुछ हो। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो क्रॉस ड्रेसिंग करो, कपड़े पहनो। ये क्या बात हुई कि गर्ल्स के कपड़े गर्ल्स ही क्यों पहने, मैन के कपड़े गर्ल्स पहन सकती है तो मैन क्यों नहीं पहन सकता गर्ल्स के कपड़े। बस ये एक प्रथा बनाई हुई है संसार ने कि अब क्या बताऊँ मैं आपको। चलो कोई बात नहीं, जिसे जो चीज़ पसंद है वो करे। तो यही मेरा, मैं काफ़ी टाइम से तकरीबन 10-15 साल से क्रॉस ड्रेसिंग कर रही हूँ। मैंने आज तकरीबन बहुत सारे गर्ल्स क्रॉस ट्राई किए हैं, बहुत सारे आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी। तो जैसे जैसे सोशल प्लेटफॉर्म आया तो फिर मैंने देखा, मैंने अपने जैसे लोगों को देखा जो क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं, और वो समझ सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा लगता है। तो एक्चुअली मैं आपको बाहर का व्यू तो दिखाना चाहती हूँ, बट सम इशू के कारण मैं बाहर नहीं जा पा रही, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ पीपल्स इन देयर आउटसाइड। इफ एनी वन see me like that, they said word that guy is doing, oh you all know about this, you already know. So क्यों ना फिर चलो मैं इतना ही आपको बता सकती थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार मुझे, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो और शेयर भी किया करो मेरी वीडियो को, ताकि और लोगों को भी मेरे बारे में पता चल सके। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब लाइक। ओके बाय बाय, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे, बाय बाय।